तो गुड मॉर्निंग गाइस, टाइम हो रहा 6:43 सुबह की और मैं जा रहा हूँ मंदिर, क्योंकि आज है सावन का दूसरा सोमवार, तो अपन जाएगा मंदिर। आगे फिर से वही वाली हाईवे NH। तो वेलकम बैक गाइस माय यूट्यूब चैनल, आई होप ऑल आर यू वेल, आप मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और ज़बरदस्त होंगे। तो ये एक छोटी सी राइड है, और मैंने ये अपना हेलमेट माउंट थोड़ा ठीक तरीके से लगा दिया है, प्रॉपर चेक करके, और आई होप अच्छा आ रहा होगा व्यू। अब पहले थोड़ा दिक्कतें हो रही थी, क्योंकि पहली बार थोड़ा दिक्कतें कर रहा था, अभी मैंने थोड़ा प्रॉपर तरीके से इसे ठीक करा। और ये यहाँ से परसों में ऊपर वाली रोड पे गया था, आई बटन में लिंक डालूँगा वो वाली वीडियो का, अगर जिसने नहीं देखी होगी तो। और अभी ये नीचे करणप्रयाग वाली रोड है, यहाँ पे दादाजी को नमस्कार करते हुए अभी मुझे एक और दोस्त मिलेगा सुनील, वो और मैं साथ ही चलेंगे। और यही नीचे पे घर है उसका, मैं उसी के लिए हॉर्न मारे जा रहा शायद सुन रहा हूँ। और ये आगे पे खड़ा है चुपचाप, ना कॉल कर रहा ना कुछ कर रहा, आगे भाई सब चुपचाप आगे पे खड़े हैं। बेलपत्र नहीं निकाले क्यों? और ये महान से वक्त बेलपत्र निकाला ही नहीं, कल बोला था मैंने इसको निकालने के लिए। कौन सा वाला? उस पर ये फिट टिक आई नहीं मैंने, उस पर ये फिट नहीं करा मैंने, बैग में सामान है यार। तो गाइज अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक सब्सक्राइब किया करो, और हमारे साथ कल की डेट में 6-7 कुछ नए लोग जुड़े हैं, उनका वेलकम, ऐसी सपोर्ट चाहिए आपका। गाइज अगर आप भी इस पैलेस पे विज़िट करना चाहते हैं, इस मंदिर पे विज़िट करना चाहते हैं, तो मैं आपको बता दूँ, अगर आप कर्णप्रयाग से आ रहे हैं ये पड़ेगा आपको 16 किलोमीटर के राउंड, और अगर आप पोखरी से आ रहे हैं तो ये पड़ेगा आपको 12 किलोमीटर के राउंड, और पैदल का जो ट्रैक है वो पड़ेगा 1.5 किलोमीटर के करीब। अगर वो दिख रहा है तो गाइस ये देख सकते हैं, अब ये है खाल गांव, और यहीं से हमें आगे को चलना होगा ऊपर को पैदल, करीब 1.5 किलोमीटर के राउंड है पैदल ट्रैक। और ये एंट्री करी हमने खालदार में, तो आज यहाँ पे भीड़ भी बहुत कम है, लोग कोविड के चक्कर में बहुत कम ट्रैवल कर रहे हैं, पहले नॉर्मल डेज में बहुत ज़्यादा भीड़ रहती थी, यहाँ पे लोग आते रहते थे। यहीं घुसा देते हैं अपनी गाड़ी भी, तो ये हमने यहाँ पे खड़ी कर दी गाड़ी, अब चलते हैं यहाँ से आगे को फटाफट। तो गाइस सबसे पहले पड़ता है यहाँ पे बजरंग बली का मंदिर, और बगल पे प्रतीक्षालय, यह है मंदिर का एंट्री गेट, साथ में ये बोर्ड, इसमें मंदिर के बारे में कुछ लिखा हुआ है। एक बार तो इस गर्मा गर्म बनती हुई जलेबी से मन हुआ, जलेबी खाते और घर को निकल जाते हैं। हालांकि हमने अपने इस लालची मन को मारा, कसे जूते और निकल पड़े अपनी मंजिल की ओर। यहाँ पे इन भाई साहब को लगा कि शायद मैं फ़ोटो ले रहा हूँ, ये फ़ोटो लेने के लिए कैसे रुके हैं देखिए। तो गाइस हमने ये दूसरा वाला द्वार कर दिया पीछे, और हम निकल पड़े हैं आगे के लिए। गाइस इस COVID-19 से हम ही लोग नहीं, भगवान भी परेशान है। देखिए रास्ता पूरा खाली पड़ा है, कभी यहाँ बहुत भीड़ हुआ करती थी। तो गाइस ये देख सकते हैं आप, ये है पार्वती कुंड, यहीं से हम ऊपर वशु केदार में पानी लेके जाएंगे। और ये भाई साहब कह रहे हैं कि मैंने जूता पहना है तो मैं पानी नहीं निकालूंगा। यहाँ पे दो रास्ते जाते हैं, एक पल्ली साइड से और एक इधर साइड से, तो हमने ये इधर वाला रास्ता चूज़ करा, तो चल रहे हैं आगे को।
लोग जा रहे हैं, कोई आ रहे हैं। भाई क्या कहना है आपका इस ट्रैक के बारे में? और ठीक है, थैंक यू। तो करीब 1.5 किलोमीटर की चढ़ाई चढ़ने के बाद हम फाइनली पहुंच चुके हैं वशकीदार मंदिर में। तो गाइज ये है बस केदार मंदिर का व्यू, मैं आगे से आपको दिखाता हूँ। अब ये एक सुंदर सा बालक भगवान का पाठ पढ़ता हुआ। और ये है स्मृति शेष अनुदान, जिन लोगों ने यहाँ के लिए कुछ दिया होगा उनका सबका नाम यहाँ है।